कर्तव्य की मिसाल बना माचलपुर पुलिस अधिकारी। कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन में पुलिस अधिकारी के त्याग की कई कहानियां सामने आ रही है। इसी कड़ी में राजगढ़ जिले के माचलपुर पुलिस थाने में पदस्थ उप निरीक्षक जिनेंद्र अजनारे ने त्याग की नई मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए अपनी शादी, जो कि 5 अप्रैल को तय हुई थी, उसे आगामी तारीख में करना तय किया। शादी के लिए दोनों परिवार ने सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली थी। शादी की पत्रिका तक बढ़ चुकी थी। परिवार और सामाजिक विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपने फर्ज को तवज्जो दी, अपनी शादी को आगे बढ़ाया। इस पर नगर के नागरिकों द्वारा फेसबुक पर पोस्ट कर पुलिस थाने में पहुंचकर फूल माला व मिठाई खिलाकर कर स्वागत किया। आप देख रहे हैं राजगढ़ जिले के माचलपुर से जिला ब्यूरो चीफ प्रदीप बंसल की रिपोर्ट। ये बात सही है, हमारे माचलपुर थाने में, राजगढ़ जिला जो है उसके माचलपुर थाने में पदस्थ उप निरीक्षक जितेंद्र अजनारे हैं, और इनके परिजनों और सामाजिक स्तर से आज से करीब 4 महीने पहले इनका शादी संबंध आज 4 अप्रैल के दिन होना तय हुआ था, और जिसके लिए इनके परिजनों ने सब तैयारियां कर ली थी। लेकिन वर्तमान में पिछले 10-12 दिन से जैसे अपन देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम से क्रिएट हो गई है, और जो माचलपुर थाना है वो राजस्थान सीमा से लगा हुआ है कई जगह से, जिस कारण से यहाँ पे ड्यूटी और ज़्यादा टफ हो गई है, क्योंकि दिन और रात 24 घंटे यहाँ पे निगरानी रखना पड़ती है कि किसी प्रकार के संक्रमित व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ जाएं और बिना चेकिंग के उन्हें अंदर ना आने जाने दिया जाए। तो इसी को देखते हुए जो जितेंद्र अजनारे सब इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा उनके परिजनों के साथ चर्चा करके इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए शादी करना कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बोले ये कुछ समय बाद भी हो जाएगी। वर्तमान में देश को, समाज को और विभाग को उनकी आवश्यकता है, क्योंकि शादी का कार्यक्रम पूर्ण निर्धारित था तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इनको पूर्व में ही 1 माह का अवकाश स्वीकृत कर दिया गया था, उसके उपरांत भी इनके द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। इससे आम नागरिकों में और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इनकी काफ़ी सराहना की गई है, प्रशंसा की। ऐसा सुनने में आया है कि इनके कार्ड या पत्रिकाएं छप गई थी जो कि बटने के लिए तैयार थी, तो क्या कार्ड या पत्रिका का फॉर्मेट आपके पास उपलब्ध है? हाँ है, इसका उपलब्ध है, बट भी गए थे कुछ, और तैयारियां लगभग सभी हो गई थी, जैसे मैरिज गार्डन होते हैं, अपने सगे संबंधियों का जो वो न्योता देना है या निमंत्रण है वो है, और ये इनका कार्ड है जो लगभग इन्होंने जो इनके खास परिचित मित्र लोग थे उनको सभी को भेज दिए थे। ऐसा सुनने में आया, हाँ आज मेरी शादी थी, आज निर्धारित की थी घर वालों और समाज वालों ने, मेरी आज की तिथि निर्धारित की थी आज से 4 माह पूर्व, परंतु आपको पता है जैसे देश में और विदेश में भी जो कोरोना वायरस संक्रमण की बीमारी चल रही है उसको देखते हुए जो तैयारियां मेरे घर वालों ने की थी गार्डन्स और पत्रिका बांटने का, ये उसके बावजूद मुझे जो अपने व्यक्तिगत रूप पर यह लगा कि जो जब मैं समाज को बोल रहा हूँ कि वो अपने घर में रहें तो मैं अपनी शादी कैसे कर सकता हूँ, मुझे देश और समाज को जब मेरी ज़रूरत थी तो मैंने अपनी जो शादी है उसको पोस्टपोन कर दी है। इसकी छुट्टी मुझे पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा दे दी गई थी 1 माह की, परंतु जो मेरी जिम्मेदारियाँ थी उनको देखते हुए मैंने मेरी जो शादी है उसको पोस्टपोन कर दिया। शादी के ऊपर आपके परिवार का कोई दबाव तो नहीं रहा कि नहीं करना है? घर वालों को थोड़ा समझाना मुश्किल था, लेकिन बीमारी को ध्यान में रखते हुए उनको जो चीज़ें मेरे द्वारा बताई गई तो उनके द्वारा मान लिया गया है कि शादी पोस्टपोन कर देते हैं। शादी की सभी तैयारियां लगभग हो चुकी थी, पत्रिकाएं भी छप चुकी थी, तो लगभग आर्थिक नुकसान भी काफ़ी हुआ होगा? समाज के हित से ज़्यादा बढ़ के तो जो नुकसान है वो नहीं है, इस कारण से चलेगा इतना नुकसान।